Hello students, welcome to the Saint Angels online class. We are here, as we are working from home, we are here with a new video of class 9, subject physics, that is chapter number 4. According to some books, it may be chapter number 3 also, that is flotation. We are going to do some unsolved numericals in this class. Okay students, aaj hum kuch unsolved numericals karenge based on pressure. Uske baad hum up thrust shuru karenge apna next topic. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने फ्लोटेशन चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसमें प्रेशर के कॉन्सिक्वेंसेस और प्रेशर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था. तो उसी प्रेशर के ऊपर, दैट प्रेशर, द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर इज, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. ये फॉर्मूला था प्रेशर का, ठीक है. इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला चेंज भी हो जाता है का, अगर कोई सरफेस के ऊपर या कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर वो फोर्स अगर वेट के बराबर हो. मान लीजिए मैंने एक बुक को किस सरफेस के ऊपर रखा, अब इस बुक का जो वेट होगा, जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है हमेशा, तो मेरे हैंड पर क्या फोर्स लग रहा है, इस बुक का वेट. जो इस बुक का वेट होगा वही मेरे हैंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर फोर्स लग रहा है. तो कभी कभी फोर्स को हम वेट से भी रिप्लेस करेंगे, डब्ल्यू अपॉन ए. और वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम इंटू जी डिवाइडेड बाई ए. तो ये सभी फॉर्मूले किसके निकल के आएंगे, प्रेशर के. तो यही हमें फॉर्मूले अप्लाई करने हैं अनसॉल्वड न्यूमेरिकल्स में, और हमें करना है. तो आइए करते हैं एक एक करके सारे अनसॉल्वड न्यूमेरिकल्स हम करते हैं. सो आवर फर्स्ट अनसॉल्वड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रेशर, दैट इज, वी आर गोइंग टू डू दैट वन इज, द पर्सन वे 60 किलोग्राम. आप अपनी अनसॉल्वड न्यूमेरिकल्स को पढ़िए और देखिए, ए पर्सन वे 60 किलोग्राम. एक पर्सन का जो मास है वो वेट नहीं है उसका, 60 किलोग्राम है, किलोग्राम में दिया है तो मास है 60 किलोग्राम, ठीक है. पर्सन का जो मास है वो कितना वे कर रहा है, 60 किलोग्राम. एरिया अंडर 1 फुट ऑफ द पर्सन, जो पर्सन है उसके 2 फुट है, 2 पैर है, तो 1 फुट के नीचे का एरिया, जो उसका तलवा है पैरों का, उसका जो एरिया है वो कितना गिवन है, एरिया ऑफ 1 फुट, दैट इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. इसे अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, ध्यान रखना, क्योंकि एसआई यूनिट है, तो इसे भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं कितने, दैट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 10 रेज टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने मीटर स्क्वायर, ठीक है. तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 180 * 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है. इसे मैंने मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया. नाउ क्या पूछा है आपसे, फाइंड द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय द पर्सन. पर्सन कितना, जब पर्सन ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है तो उसके पैर कांटेक्ट में है ग्राउंड के ऊपर, दोनों फुट कांटेक्ट में है, तो कितना प्रेशर वो ग्राउंड के ऊपर लगाएगा आपको फाइंड करना है. तो प्रेशर इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है. फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, अब जो फोर्स होगा वो हमें डायरेक्ट तो दिया नहीं, बॉडी मास दिया हुआ है बॉडी का, पर्सन की बॉडी का. तो मास को अब मैंने आपको बताया था, वो जो पर्सन खड़ा है वो अपना वेट, जो उसका वेट होगा वही ग्राउंड के ऊपर फोर्स एग्जर्टेड होगा. तो फोर्स कैसे निकालेंगे, बाय कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ द पर्सन. तो वेट कैसे निकालेंगे, m into g करके, ठीक है. तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें, m into g, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया, ये फॉर्मूला हमें लगाना है. g की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में देनी है, आप इसे 10 भी ले सकते हो या 9.8 ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर विश. तो m कितना है, 60, g मान लीजिए मैंने 10 ले लिया, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया कितना है इसके, जो एरिया है 1 फुट का एरिया वो 180 into 10 raised to the power minus 4. तो जब ये पावर ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई में तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है. इससे ये कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 3, तो कितना आएगा, 1 अपॉन 3 इनटू 10 टू द पावर पॉजिटिव 4, और एक ये हो जाएगा 5, इतना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट, ये आएगा 0 पॉइंट, इसे डिवाइड करेंगे 3 3, ठीक है, 0.333 ऐसे चलता जाएगा इनटू 10 रेज टू द पावर 5, या फिर 3.33 into 10 raised to the power how much 4, ठीक है, 3.33 10 raised to the power 4 पास्कल, इतना, ठीक है. आपके बुक में ये क्वेश्चन आंसर दिया 3.27, ठीक है, 3.27 लगा के 3.3 कर लीजिए, ठीक है, 3.3 पास्कल, इतना प्रेशर वो एग्जर्ट करेगा उसका 1 फुट, ठीक है, 1 फुट एग्जर्ट करेगा इतना प्रेशर. नाउ सेकंड क्वेश्चन में ए पिन, ड्रॉइंग पिन इज पुश्ड अगेंस्ट ए वुडन टेबल, ठीक है. एक पिन हमें गाड़नी है वुडन टेबल में, एक लकड़ी की टेबल है उसमें एक पिन को घुसाना है, ठीक है, विद ए फोर्स, फोर्स दिया है 10 न्यूटन का. कैलकुलेट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द पिन एट ए पॉइंट ऑन द टेबल
इफ एरिया ऑफ द पिन इफ एरिया ऑफ द पॉइंट इज इतना 0 पॉइंट, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, एरिया में कितना गिवन है, एरिया जो हमें गिवन है दैट इज 0.01 mm² इसलिए मिलीमीटर स्क्वायर है, तो आपको इसे चेंज करना है किसमें, मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर जो होता है 1 mm, दैट इज इक्वल टू 10^-3 मीटर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाए 10^-6 मीटर स्क्वायर, तो ये जो एरिया आएगा ए दैट इज इक्वल टू 0.01 × 10^-6 मीटर स्क्वायर, और इसको भी चेंज कर देंगे, ये दो जगह और बढ़ा देंगे और इस पॉइंट को आगे लगा देंगे, तो दो प्लेस आगे ले गए 1 × 2, तो यहाँ दो नंबर और बढ़ा दीजिए 10^-8 m², ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है उस पॉइंट पर, टेबल के उस पॉइंट पर कितना फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, ठीक है, तो प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा, प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है 10, एरिया कितना है उस पॉइंट का टेबल के ऊपर जहां पे प्रेशर लगाया जा रहा है 10^-10^-8, इसको पावर को ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव 1 और एक 8 पॉजिटिव और एक 9, तो 1 × 10^9 हाउ मच पास्कल, तो इतना प्रेशर एग्जर्ट आप करेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। नाउ थर्ड, कैलकुलेट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लॉक ऑफ 100 न्यूटन की सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट इज 2.5 मीटर स्क्वायर, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया है, तो सीधा सीधा फोर्स गिवन है 100 न्यूटन और एरिया में गिवन है थर्ड क्वेश्चन में 2.5 मीटर स्क्वायर, तो उसे चेंज भी नहीं करना, सीधा डिवाइड कर दीजिए आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहा उसने, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है प्रेशर ऑफ 100 पास्कल, कितना प्रेशर 100 पास्कल का प्रेशर है, ठीक है, ए प्रेशर ऑफ 100 पास्कल एक्ट ऑन ए सरफेस, एक सरफेस के ऊपर इतना प्रेशर लगता है, उसका एरिया कितना है 15 cm², तो इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो 15 cm² को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो 15 × 10^-4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया मीटर स्क्वायर में चेंज, ठीक है, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद मुझे कैलकुलेट इतना प्रेशर एक्ट कर रहा है एक सरफेस के ऊपर जिसका एरिया इतना है बाय ब्लॉक, एक ब्लॉक के द्वारा ऑफ इसका मास है m, ठीक है, ब्लॉक रखा हुआ सरफेस के ऊपर, इतना प्रेशर लगा रहा है उसका जो जो एरिया है जिस सरफेस के ऊपर प्रेशर वो ब्लॉक लगा रहा है उसका एरिया इतना है और उसका मास आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो ब्लॉक जो रखा हुआ है उस ब्लॉक का हमें क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, ठीक है, सरफेस है ये, इसका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये 100 पास्कल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इस ब्लॉक का मास कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, तो प्रेशर का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, तो प्रेशर का फॉर्मूला जो होगा क्योंकि ब्लॉक का क्या एक्ट करेगा नीचे की तरफ वेट, और वेट को हम एम इंटू जी लिख सकते हैं, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे एम जी इंटू ए, ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो मास कितना है वो हमें निकालना है, प्रेशर कितना लगा रहा है वो 100 पास्कल ये वाला, ठीक है, ये इतना प्रेशर लगा रहा है That is equals to m, g की वैल्यू 10 ले लीजिए अपॉन एरिया कितना है इसका, एरिया 15 × 10^-4, ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे ऊपर जाके पॉजिटिव 5 हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा ऊपर बचेगा m × 10^4 / 15, यहाँ क्या बचा इक्वल टू इधर बचा 10, दैट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m × 10^4 = 150, ठीक है, ये आ जाएगा, तो m की वैल्यू आएगी 150/10^4, 10^4 का मतलब 4 0, तो डेसिमल हमारे कहाँ जाएगा 4 0 पीछे, यानी जाएगा 0.015, ठीक है, kg, इतना kg, और इसे ग्राम में कन्वर्ट करें तो 15 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर विल बी 15 ग्राम, आंसर इज 15 ग्राम और 15 ग्राम, तो मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 15 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला उसने, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ब्लॉक ऑफ मास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th और 6th एक जैसा है, आप 5th देख लीजिए और 6th अपने आप आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नाउ द 5th क्वेश्चन, देखिए 5th क्वेश्चन में क्या कहा है, एक ब्लॉक है वुड का, ठीक है, एक ब्लॉक है, मान लीजिए ब्लॉक है वुड का, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी गिवन है और कितना मास है इसका, इसका मास है 6 किलोग्राम, ठीक है,
एक वुडन ब्लॉक है ठीक यहाँ पे रखा हुआ है ऑन द सरफेस। इसकी जो मास है 6 किलोग्राम है, डायमेंशन उसकी लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, डायमेंशन दे रखे, डायमेंशन तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट ठीक है। लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट एंड क्यूबर्ड दे रखा है आपको, लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको दे रखी है तीनों की ठीक है। तो प्लेस ऑन ए टेबल, टेबल टॉप के ऊपर रखा है। फाइंड द प्रेशर एग्जर्टेड इफ द ब्लॉक लाइज ऑन द टेबल टॉप विद द साइड्स ऑफ डायमेंशन 50 बाय 30, 50 बाय 30 इस साइड के अलोंग रखा हुआ है तो प्रेशर कितना होगा, और 30 बाय 20 के अलोंग रखा है तो कितना होगा 30 बाय 20। यानी कि आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। अगर मान लीजिए ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 30 ठीक है, 50 सॉरी, ये लेंथ है 50 ठीक है, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई 30 और ये जो इसकी हाइट है ये 20 हो गई ठीक। यानी कि ये 50 ये 30, अगर ये हमारा ब्लॉक सरफेस पे रखा है टेबल टॉप के ऊपर किस साइड के अलोंग 50 और 30 साइड के अलोंग, तो 50 ये रही इसकी लेंथ और 30 ये रही, यानी इस फेस के या इस फेस के अलोंग अगर ये रखा है ऐसे तो एग्जर्ट कर रहा है वो निकालना है। और दूसरा ये कह रहा है कि 30 बाय 20 के अलोंग रखा है तो 30 क्या है इसकी ब्रेड्थ ये वाली और 20 क्या है इसकी हाइट ये वाली, तो या तो ये फेस होगा या फिर ये फेस होगा ठीक है। तो अगर ऐसे रखा हुआ है ब्लॉक उस साइड इन डायमेंशन के अलोंग 30 बाय 20 के, तो कितना फोर्स एग्जर्ट, कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो आपको फाइंड करना है। तो दो केस आपको फाइंड करने हैं ठीक है। तो प्रेशर एग्जर्टेड कम जब इस इन साइड्स के अलोंग रखा हुआ है तो फोर्स अपॉन एरिया ठीक है। तो एरिया आप यहां से निकाल सकते हो 50 × 30 कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसे मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे 1500 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इसे भी मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे 30 बाय 20 यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे 600 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो पहले हम इस साइड्स के अलोंग जो रखा है तो कितना प्रेशर लगा रहा है, फोर्स, फोर्स मतलब उसका वेट यानी m into g, मटेरियल डाउनवर्ड लग रहा है तो वेट होता है m into g डिवाइड बाय एरिया, मास है 6 किलोग्राम, g की वैल्यू 10 ले सकते हैं, एरिया कितना है 1500 × 10⁻⁴, ये ऊपर जाके पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा, 6 × 10⁵ ऊपर जाएगा पॉजिटिव ऐड हो जाएगी दोनों पावर, तो अपॉन में 1500, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, 3 बचेगा यहाँ पर, तो 6 × 10⁻³ डिवाइड बाई 15 ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 × 1 × 2 × 3 डिवाइड बाई 15, तो 15 तक 0 0 डेट कितना पास हो